हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आपको स्क्रीन पे ओएमआर सीट का सैंपल नजर आ रहा है। ये सैंपल आपने अदर यूट्यूब चैनल्स और टेलीग्राम चैनल्स पे भी देखा होगा और ये बताया जा रहा है कि नीट 2021 की न्यू ओएमआर सीट इस पैटर्न की होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये ओएमआर सीट का सैंपल जो सर्कुलेट किया जा रहा है ये टोटली फेक है। अब आपकी नीट 2021 की न्यू ओएमआर सीट किस पैटर्न की होगी इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये ओएमआर सीट मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा ताकि उसको आप डाउनलोड करके और उसके प्रिंट निकाल करके न्यू ओएमआर सीट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकें। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए वीडियो क्यों अपलोड की। देखो, जैसे ही ये न्यू ओएमआर सीट का सैंपल सर्कुलेट हुआ काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए, कॉल्स आए और यूट्यूब पे कमेंट्स भी आए कि सर जो न्यू ओएमआर सीट है उसमें हमें कैटेगरी में ओबीसी 1 फिलअप करना है या ओबीसी 2 फिलअप करना है। देखो, सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, नीट कभी भी ओएमआर सीट में आपसे कैटेगरी नहीं पूछेगा, ना आज तक पूछी गई है ना आगे पूछेगा। और जिन टीचर्स ने या जिन यूट्यूबर्स ने यह ओएमआर सीट सर्कुलेट की है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर अगर आप कोई चीज एक बार सर्कुलेट करते हैं तो उसका एनालिसिस जरूर कर लें। क्योंकि देखो, ये ओएमआर सीट जो सर्कुलेट की गई है इसमें मेन फोकस इस बात पे किया गया है कि इसमें 200 क्वेश्चंस है और इन 200 क्वेश्चंस में से क्या किया गया, जो सेक्शन ए है उसके 35 क्वेश्चन सेग्रीगेट कर दिए गए और सेक्शन बी के जैसे 36 से 50 तक इन क्वेश्चंस को हाईलाइट किया गया है ताकि ये शो किया जा सके कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के अकॉर्डिंग 200 क्वेश्चंस की ओएमआर सीट आपको ऐसी नजर आएगी। इसलिए इस पे ओनली इस बात पे फोकस किया गया है, लेकिन इसमें ये इग्नोर कर दिया गया कि कभी आपके एग्जाम में कैटेगरी नहीं पूछी जाती। तो प्लीज आप सभी टीचर से और यूट्यूबर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कोई चीज आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं तो एक बार उसका एनालिसिस जरूर करें ताकि स्टूडेंट्स मिसगाइड ना हो। अब आपकी नीट 2021 की न्यू ओएमआर सीट कैसी होगी, लास्ट 2 ईयर की ओएमआर सीट का एनालिसिस करते हुए मैंने आपके लिए न्यू ओएमआर सीट डिजाइन की है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें देखो भाई, सबसे पहले आपको रोल नंबर फिलअप करना होगा, नेक्स्ट टेस्ट बुकलेट नंबर एंड टेस्ट बुकलेट कोड फिलअप करना होगा, फिर इसके बाद आपको 200 क्वेश्चंस के ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे है और लास्ट में आपको मदर्स नेम इन रनिंग हैंडराइटिंग और फादर्स नेम इन रनिंग हैंडराइटिंग। यहां पे देखो, रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब क्या है, जो नॉर्मल आप लिखते हैं भाई कॉपी पे, आपको बोल दिया जाए मदर नेम लिखो फादर नेम लिखो, कैसे लिखेंगे? जैसे मुझे बोला जाए तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, ये मेरी मदर का नेम है निर्मला देवी, तो ऐसे मैं लिखूंगा। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप मदर नेम या फादर नेम लिखेंगे वो आपका बॉक्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, बाकी आपकी जो नॉर्मल स्पीड है उसमें लिखो, इतना ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखो, यहां पे है कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, कैंडिडेट्स नेम एंड सिग्नेचर, और यहां पे आपका पहले नेम आएगा और फिर सिग्नेचर आपको यहां पे करने होंगे। नेक्स्ट यहां पे सिग्नेचर ऑफ इनविजिलेटर, इसमें आपका कोई काम नहीं है। यहां पे देखो, एक मेजर चेंज इस बार ये आ सकता है कि कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन जो गिवन है यहां पे हो सकता है इस बार इस पार्ट को हटाया जाए, क्योंकि देखो कोविड पेंडेमिक को देखते हुए वहां पे थंब इंप्रेशन को अवॉइड किया जा सकता है। बाकी आपकी जो न्यू ओएमआर सीट रहेगी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न की रहेगी। और अगर अब आप नीट 2021 की न्यू ओएमआर सीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ओएमआर सीट फिलअप करने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये ओएमआर सीट आपको बिवाइज क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज बिवाइज क्लासेस टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंट्स ने बिवाइज क्लासेस का फुल सिलेबस मेजर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है उनके लिए एक गुड न्यूज ये है कि पहले आपके लिए 2 टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं, 10 टेस्ट आपके लिए टोटल अपलोड करना था। अब अलग से नीट 2021 के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग इन 2 टेस्ट के अलावा 10 टेस्ट और आपके लिए अपलोड किए जाएंगे।
ये पीडीएफ भी आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप क्वेश्चन पेपर और पीडीएफ डाउनलोड करके और घर पे प्रिंट निकलवा करके ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकें। और आप सब पहले से ही जानते हैं इन सभी क्वेश्चंस के आपको एक्सप्लेनेशन भी पीडीएफ में प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि अगर आपको कोई डाउट आए तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकें। तो अगर आपने अभी तक बीवाइज क्लासेस की मेजर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज ये मेजर टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें ताकि नीट एग्जाम से पहले आप नीट एग्जाम पैटर्न पे न्यू एग्जाम पैटर्न पे 10 टेस्ट प्रैक्टिस कर सकें और आप एनालिसिस कर सकें कि अभी आप कहां पे लाइक कर रहे हैं। अगर इसके अलावा आपका कोई और डाउट है, कोई और सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और बीवाइज क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।